हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों आज हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की। हाँ दोस्तों, इस वक्त जो है JNU में 2020 एडमिशन का जो है रजिस्ट्रेशन चल रहा है, जो कि 31 मार्च तक चलेगा। तो जिन छात्रों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, ताकि आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो JNU SU की फ्री कोचिंग के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं, जो कि होने वाला था। हमने आपको बताया था एक वीडियो में कि JNU SU जो है अपने तरफ से जो है फ्री कोचिंग क्लासेस चलाने वाला है, जो कि JNU के अंदर होगा। लेकिन ये जो क्लासेस है ये कैंसिल कर दिया गया है, लेकिन अब जो है JNU SU की तरफ से जो है ऑनलाइन ही जो है आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और आपको गाइडेंस किया जाएगा ऑनलाइन ही। तो इसी के लिए जो है आज एक फॉर्म निकाला है JNU SU ने, तो आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा, ताकि JNU से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पर आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये जो फॉर्म है इसका लिंक जो है आप हमारे डिस्क्रिप्शन में भी जाके देख सकते हैं, वहाँ से जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके माध्यम से जो है JNU SU आपसे कांटेक्ट करेगा और वो आपको जो है स्टडी मटेरियल भी जो है उपलब्ध करवाएगा ऑनलाइन, और आपको जो है गाइडेंस करवाएगा और अच्छे से प्रिपेयर करवाएगा। तो ये देख सकते हैं JNU SU कोचिंग 2020। तो ये जो है कोचिंग हर एक साल प्रोवाइड करवाया जाता है JNU SU की तरफ से एडमिशन के समय में, जो नए छात्र आते हैं तो उन्हीं के लिए है। ये मैं पढ़ देता हूँ कि क्या है। JNU SU कोचिंग 2020, JNU स्टूडेंट यूनियन प्रोवाइड्स प्रियट्री गाइडेंस एंड क्लासेस एवरी ईयर फॉर ऑल JNU ए पार्ट विदाउट एनी फीस, स्पेशली टू द अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट विथ द एम द इनक्रेज देयर इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन रजिस्टर ईयर। तो इनका ये कहना है कि JNU SU जो है हर एक साल क्लासेस प्रोवाइड किया जाता है, वो भी निःशुल्क, यानी कोई भी फीस नहीं लिया जाता है। और ये उन छात्रों के लिए जो गरीब परिवार से आते हैं, अलग अलग एरिए से आते हैं, जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, ऐसे एरिए से आते हैं और वो पढ़ने लिखने में जो है उतना सक्षम नहीं है, या नहीं तो वो ठीक से उतना नहीं कर पाते हैं, गाइडेंस नहीं कर पाते। तो ये उनके लिए जो है ये क्लासेस चलाई जा रही है। वैसे ये सभी के लिए क्लासेस है, तो उसी को लेके जो है यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला गया है। तो इसमें जो है रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इसको लेके जो है सबसे पहले तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना है, आपको दिख रहा होगा। ईमेल आईडी के बाद जो है आपको दूसरा जो ऑप्शन आता है JNU फ्रॉम अप्लीकेशन नंबर, JNU के फॉर्म पर जो अप्लीकेशन नंबर होगा वो यहाँ पर डालना है। और उसके बाद जो है फुल नेम, जो आपका नाम है आपने एडमिशन के समय में जो लिखा है, या वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन जो आपने एडमिशन के समय में लिखा है, जो रजिस्ट्रेशन में लिखा है वही नाम लिखे यहाँ पे, गार्डियन नाम। उसके बाद जो है आपको डेट ऑफ बर्थ क्या है वो डालें यहाँ पे। उसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल फीमेल या अदर्स, जो भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी कैटेगरी क्या है आपका, ST SC OBC, जो भी है आपका यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे EWS। तो ये है। बाकी होम टाउन स्टेट कहाँ पे है आपका, आप इस वक्त जो है कहाँ पे रह रहे हैं ये डाल दीजिए। बाकी फ़ोन नंबर जो है अपना करंट वाला, अपने पास जो आपके पास रहता है वही डालिएगा जो चालू हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर ज़रूर डालिएगा, जिन भी, ये व्हाट्सएप नंबर बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आपको जो है स्टडी मटेरियल जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाया जाएगा वो ऑनलाइन ही करवाया जाएगा, तो इसके माध्यम से जो है व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। तो आप जो है यहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर ज़रूर दें और जो आपके पास हो वही दें। उसके बाद जो है क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालना है कि आप जो है इस वक्त क्या पास करके आए हैं, यानी कि 12th पास करके आए हैं, या BA BSc जो भी है आप पास करके आए हैं, या MA MSc आप इसमें जो है कौन सा पास करके आए हैं। तो अगर आप 12th पास करके आए हैं तो इसमें पहले नंबर पे देना है, नहीं तो आप BA पास कर लिए हैं तो BA पे करना है, या BSc या फिर MA MSc पास किए हैं तो इस पर आपको कर देना है। बाकी मीडियम जो है लैंग्वेज ऑफ इसमें कौन सा मीडियम में जो है आपने स्कूलिंग किया है ये करना है। तो ये स्कूलिंग का जो है एक बहुत सारे फ़ायदा होता है, बहुत सारे छात्र जो हैं अलग अलग गरीब परिवार से आते हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ के आते हैं, और ज़्यादातर छात्र जो हैं हिंदी मीडियम से रहते हैं, तो उनको जो है, या इंग्लिश मीडियम से अलग अलग एरिए से आते हैं, तो उस हिसाब से जो है उन्हें छूट मिलता है कुछ। तो यहाँ पर जो है अपना वो भी डालें कि आप कौन से मीडियम से जो है पढ़ के आए हैं, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, या अदर्स हो लैंग्वेज। उसके बाद जो है
अप्लाइड फॉर, आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया है इस बार, बीए में, एमए, एमएससी या एमफिल, पीएचडी में, तो जिसमें भी आपने किया है वो उस पर आप क्लिक कर दें। बाकी अब जो है, अब हम नीचे आते हैं, इसमें देख सकते हैं इफ़ द अप्लाइड फॉर एमए चूज द फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट, आपने जो है एमए में कौन सा सब्जेक्ट चूज किया है ये आपको करना है अगर आप एमए करेंगे इस बार, तो नहीं बीए करेंगे तो ये आपके लिए नहीं है। बाकी इसमें जो है बीए के लिए ये है, इफ़ द अप्लाइड ऑफ द बीए चूज योर फर्स्ट प्रायोरिटी लैंग्वेज, यानी कि आपका जो है कौन सी लैंग्वेज में जो है बीए किया है, और इसमें जो है पीएचडी के छात्रों के लिए है, तो ये अपने हिसाब से भर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको सबमिट कर देना है, और उसके बाद जो है उनके पास जो है रजिस्ट्रेशन आपका जो है रजिस्टर हो जाएगा, और उनके पास जो है वो चला जाएगा मैसेज, और उसके बाद जो है JNUSU की तरफ से आपको जो है कॉन्टैक्ट किया जाएगा, आपको जो है पूछताछ किया जाएगा, उसके बाद जो है आपको ऑनलाइन गाइडेंस भी किया जाएगा, और स्टडी मटेरियल भी जो है JNUSU की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, और उनके साथ जो है आप टच में रह सकते हैं। बाकी और भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, उन लोगों तक शेयर करें वीडियो, ताकि जो JNUSU में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको जो है ये गाइडेंस मिल सके। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।